बाजार में हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम इंडस्ट्री के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चले, कंज्यूमर की आवाज इंडस्ट्री तक पहुंचाए, ब्रांड्स और उनकी मार्केटिंग से जुड़े मुद्दों पर बारीकी से बात करें, इंडस्ट्री लीडर से एक्सपर्टीज हासिल करें और उन्हें नए उभरते ब्रांड के साथ बांटे। हमारी यही कोशिश हमें लेकर आई है इस नए मुकाम पर, जहां हम आपके और एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे एक ब्रांड स्टोरी और देंगे कुछ कम्युनिकेशन सॉल्यूशन कुछ चुनिंदा ब्रांड्स को, ताकि वो और बड़ा ब्रांड बन पाए। संजय गोरावत ग्रुप 1992 में शुरू हुआ ये ग्रुप आज रिन्यूएबल एनर्जी, एफएमसीजी, टेक्सटाइल्स, माइनिंग, रियल एस्टेट और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में नाम कमाने की कोशिश में है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हेडक्वार्टर्ड ये ग्रुप अब तक कई बड़े नेशनल और मल्टीनेशनल प्लेयर्स के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करता था, पर पिछले साल पहली बार इस ग्रुप ने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कैटेगरी में अपनी एंट्री ली अपनी स्टार ब्रांड के साथ। ये ग्रुप देश के सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स को बतौर एक अपॉर्चुनिटी देखता है। फिलहाल इन्होंने नमकीन एंड स्नैक्स और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स उतारे हैं। देखते हैं उनकी अब तक की कहानी। छोटे कैपिटल और 3 से 4 लोगों के साथ शुरू हुआ संजय गोडावत ग्रुप आज 6,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है। कई सालों तक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अब संजय गोडावत ग्रुप फोकस कर रहा है अपने कंज्यूमर बिजनेस पर और धीरे धीरे इस बिजनेस के साथ अपने पंख भी फैला रहा है। जब मैंने 1992 में एक ग्रुप शुरू किया था, तब बहुत ही छोटे पैमाने में शुरू किया था। इट वाज जस्ट मेरा कैपिटल था 3 से 4 लाख रुपये, तो उससे शुरुआत की थी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स शुरू करते गए हम, जैसे कि ऑयल है और मॉस्किटो कॉइल और नमक, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट शुरू करते गए, खुद मार्केटिंग की सब जगह घूम के और कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, तो उससे शुरुआत करके फिर धीरे धीरे जैसे ब्रांड सेटल होते गए मार्केट में, तो उसके बाद फिर ऑयल रिफाइनरी की, फिर हमने फिर ऑक्सैलिक एसिड का प्लांट, फिर ग्रीन हाउसेस, फिर ऐसे डेवलपमेंट होते होते फिर ग्रीन हाउसेस है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है, और इसके बाद अभी ये पानी का प्रोजेक्ट या नमकीन, ऐसे फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट में डेवलपमेंट होती गई। कंपनी ने स्टार ब्रांड नेम के साथ कंज्यूमर बिजनेस में कदम रखा है। नमकीन में आने की स्ट्रेटजी काफ़ी क्लियर थी। हमारी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है एक्सेलस स्टार फूड बेव करके, तो वो ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीनेशनल्स के साथ काम कर रही थी, जैसे पेप्सी के साथ, अपने पार्ले के साथ, सहारा क्यू शॉप के साथ, ये सब प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। तो ये स्ट्रेटजी को हमने देखा कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आके रूरल और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान कर सकती है, तो हम जो बेस मार्केट होम मार्केट्स में बैठे हुए हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रेंथ है, मार्केटिंग ATL BTL करने का स्ट्रेंथ है, तो हम क्यों नहीं फोकस करें। फिलहाल इस ग्रुप का फोकस है 3 राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा में अपनी पहचान बनाना, और आने वाले दिनों में वो इन राज्यों से आगे बढ़कर नेशनल लेवल पर अपना नाम बनाना चाहते हैं। कंपनी के पिछले साल के टर्नओवर पर नजर डालें तो वो था 1,000 करोड़ रुपए, और इस साल का उनका टारगेट है 1,500 करोड़ रुपए। भारत के हर घर में अपना कोई भी एक प्रोडक्ट होना ही चाहिए अपना, और जब क्वालिटी देंगे तो नेचुरली वो हर घर में रहेगा ही। गोडावत कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नए और देसी स्वाद के साथ प्रोडक्ट्स बाजार में उतारने में लगा है, और ब्रांड को उम्मीद है कि फूड और बेवरेज कैटेगरी में काफी स्कोप है इनके जैसे नए ब्रांड्स के लिए। लेकिन कैसे बने ये ब्रांड एक बड़ा नाम और कैसे करे ये अपनी एडवर्टाइजिंग, इनमें इनकी मदद करेंगे हम। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आगे हमारे 3 एक्सपर्ट से रूबरू होंगे संजय गोडावत ग्रुप के श्रेनिक गोडावत, और हम जानेंगे इस ब्रांड को आगे क्या करना चाहिए खुद को बाजार में बड़ा नाम बनाने के लिए।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। पहले हमने देखी ब्रांड की केस स्टडी और अब इसी केस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है तीन एक्सपर्ट्स। मल्लिकार्जुन दास, सीईओ इंडिया स्टारकॉम मीडिया वेस्ट ग्रुप, सूरज किशोर, एग्जीक्यूटिव प्लानिंग डायरेक्टर एट मैकैन वर्ल्ड ग्रुप, और अभिजीत अवस्थी, पूर्व एनसीडी ओगलवी इंडिया। और ब्रांड की तरफ से मेरे साथ है श्रेनिक गोडावत। ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो। सबसे पहले श्रेनिक, मुझे आपसे जानना है कि कुछ महीने पहले आपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में फोरे किया है, क्या रही अब तक की स्ट्रेटजी आपकी? एज अ ब्रांड हम लोग काफी खुश है। हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी ब्रांड पिकअप कर लेगा। किसी भी ब्रांड के लिए क्लटर्ड मार्केट में पेनिट्रेशन करना बहुत मुश्किल होता है, बट हमारे ग्रुप का, ब्रांड का गुडविल है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसकी वजह से हम लोग करीबन 25 to 28 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक पेनिट्रेट कर चुके हैं और काफी अच्छा रिस्पांस आया है एंड कंज्यूमर से। मैं जब कोल्हापुर आई थी तब आपने मुझे बताया था कि किस तरह से आप सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स पर फोकस कर रहे हैं, तो उस लिहाज से क्या क्या किया है आपने कंज्यूमर्स को टैप करने के लिए? हमारा स्ट्रेटजी पहले दिन से यही था कि मासेस के लिए हम लोग ब्रांड्स बनाए, और हमारा पूरा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, उसका प्राइसिंग, ग्रामेजेस वगैरह जो जो हम लोग ने प्लान किया था वो पूरा उसी के हिसाब से था। अभी करीबन रूरल मार्केटिंग का हमारा सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है कि हम लोग लोकेशन, तो जो हम लोग जहाँ पे हमारी फैक्ट्रीज लोकेटेड है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्किंग काफ़ी स्ट्रांग है रूरल पॉपुलेशन में, और धीरे धीरे करके हम लोग ये रूरल से सेमी अर्बन, फिर सेमी अर्बन से अर्बन सिटीज में इसको पहुंचाएंगे। अभिजीत कंज्यूमर कैटेगरी में फोरे कर रहे हैं, वो भी स्नैकिंग से, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से। मैं कंज्यूमर हूं, जब मैं कोई भी स्नैकिंग प्रोडक्ट खरीदने जाती हूं या फिर पैकेज्ड प्रोडक्ट खरीदने जाती हूं, सबसे पहले मेरे मन में सवाल आता है कि कितना सेफ है, कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, तो उस हिसाब से किस तरीके का कम्युनिकेशन करना चाहिए इस ब्रांड को? देखिए, सबसे पहले तो अपने ब्रांड के प्रति जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, नया ब्रांड है, लोगों को पता चले कि क्या है, कहां से आया है। दूसरा, मेरे ख्याल से ये नहीं बोला जा सकता है मेरे हिसाब से कि हम पे भरोसा करो। भरोसा एक ऐसी चीज जो कम ही जाती है। आप आगे कंज्यूमर को बताइए कि आप में क्या खासियत है, आप ये ब्रांड क्यों औरों के प्रति इसको पिकअप करें कि भाई स्वाद इसका ज़्यादा अलग है, इसमें ज़्यादा कुछ भरा हुआ है या कुछ अलग है, क्रिस्पनेस ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से जो कुछ बेसिक मुद्दे हैं उन पे अगर फोकस करें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने जब आपसे बात की तब इन्होंने कहा था कि कंज्यूमर की रोज की जिंदगी का हिस्सा बनना है इस ब्रांड को, तो उस लिहाज से क्या स्ट्रैटेजी आजमानी चाहिए आपके हिसाब से? सूरज, मुझे तो इसमें काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी लगता है क्योंकि स्नैक्स मार्केट में काफ़ी फॉरेन प्लेयर्स आए हैं, जबकि स्नैक मार्केट काफ़ी एक लोकल मार्केट है। अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो हर लोकल मार्केट में उसकी अपनी एक टेस्ट है और अपनी एक, सबकी अपनी डिफरेंट पसंद भी है। तो अगर ये ब्रांड जब अगर लोकल मार्केट से आ रही है तो क्या हम इसको लोकल टेस्ट पे, जो कि लोकल लोगों ने बनाया है, उस तरफ से अगर हम इसको अप्रोच करें कि एक एक ब्रांडेड डिफरेंट जो बात कर रहे हैं उसको हम देकर चले कि जो टेस्ट है बहुत ही लोकल है, हमारे लोगों के लिए बनाया गया है और हमारे लोगों ने जो उसको खाते हैं, पसंद करते हैं, उसने बनाया है। बिकॉज ये 5 रुपए और ये मासेस कैटेगरी में जितना ही आसान स्केल है उतना ही आसान कमोडिटिफाइड होना, क्योंकि इसमें 5 रुपए का खेल है ना ब्रांड का। और ये इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट को लेकर उन सबकी जिंदगी में हम बस जाएं। जैसे कि आपके यहाँ त्योहार होती है, आपके यहाँ ओकेजन्स होते हैं, चाय के साथ, नाश्ते के साथ क्या हमारा ताल्लुक हो सकता है, किस तरह से ये स्टार स्नैक्स जो है एक हिस्सा बन सकता है उन सारे नाश्तों का, अगर ऐसी कोई प्रक्रिया करें ताकि हम रोजमर्रा में घुस सकें। आप मीडिया स्पेंड्स की बात पर आपने कहा था कि 3 फेजेस में डिवाइडेड है आपके मीडिया स्पेंड्स, उसके बारे में कुछ बताइए और कितने स्पेंड्स है आपके मीडिया? तो हम लोग ने पहले फेज में काफी सारा आउटडोर और ATL पे फोकस किया था, अबाउट द लाइन मीडिया पे, जिससे ताकि लोगों को पता चले कि स्टार एक एक्सटेंडेड कैटेगरी है संजय गुड़ावत ग्रुप की और हम लोग अब स्नैकिंग इंडस्ट्री में भी आ चुके हैं, तो एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी था एक फर्स्ट लेवल पे। फिर अभी हमारा सेकंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है पॉइंट ऑफ परचेस पे, तो अभी सेकंड लेवल स्ट्रेटजी हमारी है BTL पे। उसके साथ साथ हम लोग काफ़ी सारा स्पेंड करेंगे कंज्यूमर ऑफर्स पे, जैसे स्कीम्स हो, क्योंकि वो जो मासेस की कैटेगरी है
उनको वैल्यू फॉर मनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जब 5 रुपए दे के कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनके लिए वो 5 रुपए की अहमियत बहुत बड़ी है। जैसे अगर मैं कंपनी लेवल से सोचूं तो ये बस 5 रुपए का क्लाइंट है, बट उनके लिए वो 5 रुपए दे रहे हैं और उनके सामने 10 choices है, मेरा प्रोडक्ट क्यों ले, और जो भी सिमिलर है। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये कैटेगरीज को हम लोग ने समझा पहले और कंज्यूमर का माइंड को रीड किया और उनके हिसाब से फिर पैकेजिंग डिजाइन की, उनके हिसाब से ब्रांड एम्बेसडर्स लिए, उनके हिसाब से जो उनको कनेक्ट हो सके इमीडिएटली। तो ये सब स्पेंड को प्लान करते हुए हम लोग ने ATL और BTL का डिसीजन लिया। स्पेंड्स कितने सो हम लोग अगर कैटेगरीली बात करें तो ATL में करीबन हम लोग ने फिलहाल अभी तक 2 करोड़ रुपए तक खर्च किया है, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और पार्ट ऑफ कर्नाटका के लिए। सितंबर से, जब से सितंबर से अभी तक के लिए है। ये टिपिकली हम लोग ATL हेवी गए थे क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे कैटेगरी का डिस्कशन करना था जनरल पब्लिक से। इसके आगे हम लोग स्पेंड करेंगे और 1 करोड़ रुपए, जिससे हम लोग पॉइंट ऑफ परचेज पे आपके डीलर बोर्ड्स है, रिटेलर बोर्ड्स है, ताकि ब्रांड को और एक्सटेंशन दे सके वहां पे। आप डिस्ट्रीब्यूशन शेल्फ्स बना दे, हैम्पर्स बना दे उनके लिए, ये सब पे। और उसके अलावा हम लोग स्कीम्स रन कर रहे हैं करीबन 50-60 lakh rupees का करीबन स्कीम्स रन कर रहे हैं। सो मोटा मोटी अगर सब चीजें आप मिला लो तो 3-3.5 crore का हमारा टोटल मीडिया स्पेंड है, ये फर्स्ट लेवल के लिए। फॉर रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड रेस्ट ऑफ कर्नाटका, अब जैसे ही आप बॉम्बे एंटर करते हैं या बैंगलोर एंटर करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से आपका मीडिया स्पेंड भी बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, और विजिबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। मली, आपने सुनी इनकी बात स्पेंड्स पे, आपके हिसाब से किस तरीके का स्पेंड इन्हें करना चाहिए और कौन से मीडियम्स का इस्तेमाल होना चाहिए? अगर आप स्पेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक चीज जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन वेटेड एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे आपका वेटेड एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन 60% प्लस होता है तो आपको और मास मीडिया में लेना चाहिए। जो आउटडोर है जो आपके लिए अभी काम कर रहा है वो बहुत लोकलाइज रहता है, लेकिन जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है आपको टेलीविजन में होना चाहिए, क्योंकि फेमिलियरिटी एक कॉन्सेप्ट जो स्नैकिंग में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रांड दिखना चाहिए, नोन फेस इज ट्रस्टेड। सो टेलीविजन कॉस्ट भी आपके लिए बहुत चीप रहेगा क्योंकि आपका मार्केट्स रीजनल है। कर्नाटका और महाराष्ट्र कॉस्ट ऑफ रीजनल मीडिया चीप है। एक्चुअली मेरी इन माय थिंकिंग कॉस्ट ऑफ टेलीविजन विल बी 3-5 times चीपर देन आउटडोर जब आपका स्केल बढ़ता है। तो टेलीविजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड मीडिया आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो प्रिंट रहेगा, क्योंकि आपको डीलर नेटवर्क में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है और प्रिंट वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लोकल प्रिंट मीडिया जिन वो जो सिटी स्मॉल सिटीज में शहर में जो स्मॉल पब्लिकेशंस है उनमें आपको एड लेना पड़ेगा, क्योंकि वो डीलर को दिखना चाहिए कि कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है एडवर्टाइजिंग में, और दैट परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स है, लोकल ब्रांड्स विच हैव बीन बिल्ट लाइक दिस। केश किंग हेयर ऑयल ब्रांड एक है, वो बिल्ट टोटली ऑन दिस प्रिंसिपल, डीलर एडवर्टाइजिंग। सो दीज टू थिंग्स पुट टुगेदर आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मीडिया विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक नेशनल बजट जब आप थिंकिंग आपके लिए आपके ब्रांड के लिए मेरे ख्याल से 6-7 crore नेशनल, मतलब ये 2 states के लिए एनुअल बजट विल बी अ प्रीटी गुड बजट इफ एज एन इन्वेस्टमेंट इन माय माइंड। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी श्रेनिक और हमारे 3 experts के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और आज हम चर्चा कर रहे हैं संजय गोडावत ग्रुप की ब्रांड स्ट्रेटजी के बारे में, और मेरे साथ स्टूडियो में है श्रेनिक और हमारे 3 experts मल्लिकार्जुन दास, सूरज किशोर और अभिजीत अवस्थी। तो श्रेनिक, अभी आपके कुछ सवाल है एक्सपर्ट से तो आप पूछ सकते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी टू मली। जैसे हम लोग ने अभी फोकस जैसे किया था क्योंकि आज मीडिया बहुत वाइड है, तो एक स्नैक फूड ब्रांड के लिए जिसमें डबल डिजिट मार्जिन्स नहीं हो तो बहुत स्टेप वाइज इसको केयरफुली यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप 2 मिनट में पूरा बजट स्पेंड खत्म कर सकते हैं और उसको 1 साल बराबर प्लान करके भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेन आपके एडवाइसेस क्या रहेंगे कि हम लोग कहाँ पे केयरफुल होना चाहिए और कहाँ पे स्पेंड नहीं करना चाहिए? ओके, सो आई थिंक पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेस होना चाहिए। नो पॉइंट एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट विदाउट your distribution in place, especially mass media, television. So first have distribution in place. So मेरे ख्याल से
टीवी विल हाउएवर आपके लिए, अगर आपको स्केल आना चाहिए आपके प्रोडक्ट में, अब टीवी आपके लिए गेम चेंजर होगा. ओके, सो टेलीविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सिर्फ रीजनल मीडिया. रीजनल मीडिया, सो आप महाराष्ट्र स्टेट देखेंगे, अगर आप बॉम्बे छोड़ देंगे तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में आपको 60-70% रीच मिल सकता है रीजनल मीडिया से. ओके, जस्ट रीजनल महाराष्ट्र मीडिया. अगर आपको बॉम्बे भी रीच करना है तो आज ऑप्शंस रहे हैं, यू नो, आप जैसे आप अमागी एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप सिर्फ बॉम्बे में एडवर्टाइज कर सकते हैं जी टीवी के साथ. करेक्ट. सिमिलरली एड शॉप एक टेक्नोलॉजी है स्टार में, जो आपको स्टार प्लस में स्पॉट सिर्फ बॉम्बे के लिए आप ले सकते हैं. सो ऐसे कॉम्बिनेशन रीजनल प्लस ये दोनों मिला के आपको रीच मिल सकता combination है, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिल सकता है उसमें से. ओके ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका एडवर्टाइजिंग टू सेल्स रेशियो अब क्या है, आई मीन कितना आप फॉरवर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग में? जैसे ब्रांड काफी नया है अभी, तो अगर मैं अभी का कंसिडरेशन करूँ तो करीबन 35-40% ऑफ द सेल्स हम लोग एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड कर रहे हैं. बट गोइंग फॉरवर्ड हमारा टारगेट है कि करीबन 10-12% ऑफ द सेल्स करीबन हम लोग डेडिकेटेड रखें. जैसे ही वो 2 state या 3 state में बैठ जाता है ब्रांड, तो करीबन 10-15% एड स्पेंड रखे उसका. तो ये टारगेटेड है. सो मेरे ख्याल से एक थॉट है कि यू नो जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा रैंप अप हो जाता है तो आपका पहला इयर्स इन्वेस्टमेंट क्लोज टू 1:1 होना चाहिए. इतना रिस्क तो आपको इसमें लेना चाहिए क्योंकि आपको वो फेमिलियरिटी आप बिल्ड करना पड़ेगा नेटवर्क में और कंज्यूमर्स में. सो एंड दिस इज वन बिग डिफरेंशिएटर बिटवीन इंडियन कंपनीज एंड एमएनसीज. जो एमएनसीज डीप पॉकेट से आते हैं और ज्यादा रिस्क लेते हैं इसमें, और मेनी इंडियन प्रोडक्ट्स ऑफन फेल बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ रिस्क एपेटाइट इन द अर्ली स्टेजेस. करेक्ट. और उसमें अगर आप पहले इन्वेस्ट नहीं करते हैं एडवर्टाइजिंग में तो फिर बाद में यू नो वो प्रॉब्लम रह जाता है. नहीं, ये काफी हम लोग ने एक्चुअली इस पे सोचा था. तो एक टीम थी हमारी जो 2 हिस्सों में बट गई थी, जो थोड़े लोगों ने बोला था कि काफी एडवर्टाइजमेंट हैवी जाना चाहिए स्टार्टिंग में, ब्रांड का नाम सब जगह होना चाहिए. और एक टीम ऐसी थी जो जिसने पहले बोला कि पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, कंज्यूमर का अंडरस्टैंडिंग कर लो, फिर एडवर्टाइजमेंट. डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, आई मीन इन माय आई वुड गो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके बाद ही मैं एडवर्टाइज करूंगा. करेक्ट. अभिजीत, मुझे आपसे जानना है कि पहले एडवर्टाइजिंग पे फोकस करे या डिस्ट्रीब्यूशन करे, और अगर एडवर्टाइजिंग करे तो किस तरीके का कम्युनिकेशन करे? तो इसमें कोई शक नहीं कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना चाहिए. एक बार जब डिस्ट्रीब्यूशन सेट हो जाए उसके बाद डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग. और एडवर्टाइजिंग में क्योंकि ये लोग नए आए हैं, इन्हें अपनी एक पहचान बनानी है उसमें, तो सबसे पहले कुछ बातें देखनी चाहिए कि भाई और लोग क्या बोल रहे हैं मेरी कैटेगरी में. मेरे को उनसे बिल्कुल कुछ अलग बोलना चाहिए. अगर आपका स्वाद अलग है तो उसके बारे में बोलिए. अगर आपका वजन अलग है आपके पैक का तो उसके बारे में बोलिए. अगर आप का बनाने का फलसफा ही अलग है, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले बोला कि मेक इन इंडिया या हर चीज इंडिया में बनाई गई है, तो अगर आप अपनी भारतीयता पे जोड़ देना चाहते हैं वो दीजिए. मैं कुछ अलग जिससे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हाँ स्टार मायने ये, और इस वजह से मैं स्टार को उठाना चाहता हूँ. तो मेरे ख्याल से ये जरूरी है. और क्या है दूसरा, आपकी जो कैटेगरी इम्पल्स कैटेगरी है, जैसे आपने बोला, ऐसा नहीं कि आदमी पहले से तय कर लेता है कि मुझे आज यही खाना है. बेहद जरूरी है कि लोग आपके विज्ञापन को, आपके एडवर्टाइजिंग को उसे बहुत ज्यादा रोचक माने, ताकि उनके दिमाग में रहे कि मतलब मैं पहुंचा दुकान में, इधर उधर नजर घुमाई और हाँ स्टार मतलब वो. तो आई थिंक उस बात पे काफी ध्यान देना चाहिए. सूरत से बस यही पूछना चाहूंगा कि हम लोग ने अभी तक जो स्ट्रेटजी ली है या जैसे ब्रांड के लिए, एक रीजनल ब्रांड को नेशनल ब्रांड में कन्वर्ट करने के हिसाब से क्या बेसिक फ्यू स्टेप्स होंगे जो एक रीजनल ब्रांड को ध्यान में रखना चाहिए जब वो नेशनल स्केल पे जाना चाहते हो? तो मेरा तो ये मानना है कि रीजनल ब्रांड्स बराबर जब नेशनल जाते हैं तो नेशनल को एप करना शुरू कर देते हैं, एंड वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही सुसाइडल स्ट्रेटजी है. क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है कि आप रीजनल हैं, और जिस कैटेगरी में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसमें तो इस स्ट्रेटजी को आपको रेप्लिकेट करना चाहिए. और रीजनल का ये मतलब नहीं है कि लोकल, रीजनल का मतलब है रीजनल टेस्ट. अगर रीजनल टेस्ट पे आप अथॉरिटी अपना जमा लें एज अ स्ट्रेटजी, और फिर ये मैप करें कि नेशनली हर रीजन में क्या टेस्ट है. और काफी फूड कैटेगरीज ये करती हैं, जैसे चाय मान लीजिए, वही चाय पैक नहीं होता हर जगह पे क्योंकि पानी अलग अलग बदल जाता है. तो इतनी सारी सूक्ष्म चीजों को अगर आप ध्यान करके स्ट्रेटजी करें कि मैं नेशनल ब्रांड नहीं बनना चाहता जिसमें कि टेस्ट का कोई डिफरेंस ना हो, आप सेम प्रोडक्ट सबको नहीं खिलाना चाहते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है. जो कि अभी आप उसको आप वीकनेस की तरह देख रहे हैं कि मैं रीजनल हूं, बोलो कि यही बनी है और आपके स्वाद के लिए बनी है, और हम हर स्वाद के लिए हर जगह पे अलग बनाते हैं.
गुजरात की जो स्वाद है और राजस्थान की जो स्वाद है अलग है, बिहार की स्वाद, इंडिया को ब्रेक कर दे रीजन्स में, इंडिया को ब्रेक कर दे, फोकस कर। और अभिजीत से आपके अभिजीत जैसे ब्रांड होता है या ब्रांड का एक परसेप्शन होता है, तो इंडिया में जैसे लोगों को बहुत बड़ा एक फीवर होता है कि अगर फॉरेन से लाया हो तो ये अच्छा है और अगर इंडिया में बना हो तो यानी इसमें कुछ 19-20 हो सकता है, तो ये परसेप्शन जो है ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं माइंड से? तो एक्चुअली मैं यानी इन टर्म्स ऑफ यानी आपका पैकेजिंग या जो आप उसको दिखाते हैं या इन थ्रू दी एडवर्टाइजिंग मीडिया जो भी है उसको कैसे आप? दो बातें, एक तो मैं जो आपने पहली बात बोली मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको एक दूसरी कैटेगरी से एक उदाहरण दे सकता हूँ। फेविकॉल भारत का ब्रांड है और एरल्डाइट बाहर का ब्रांड है। एरल्डाइट की हिस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, मॉडर्नाइज सब कुछ है, मगर एरल्डाइट फेविकॉल का बाल भी नहीं बाका कर पाया यहाँ पे, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा लगाव है फेविकॉल के साथ। तो आपको अपना बस उद्देश्य इतना रखना चाहिए कि यार मैं स्टार के साथ ऐसा काम करूं, ऐसी अपनी एक पर्सनालिटी बनाऊं कि लोग बोले अरे यार क्या बढ़िया ब्रांड है, मुझे बस स्टार ही खाना है। इस बात की तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि मैं भारत का हूं, कोई बाहर से आया, कोई वियतनाम से, कोई ताइवान से, यूएस से, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स एट ऑल। Okay. तो उम्मीद है श्रेणी के आइडिया से संजय गोडावत ग्रुप को और बड़ा ब्रांड होने में मदद हो। ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो, थैंक यू श्रेणी। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाजबीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।